फरीद एक्सप्रेस ट्रेन में बम की झूठी इतला देने वाला शख्स गिरफ्तार। झूठी इतला देने वाले शख्स की शिनाख्त वसीम अकरम के नाम से हुई, जो कि कंगनपुरा का रिहायशी है। वसीम अकरम ने गुज़श्ता रोज 15 पर बम रखने की झूठी इतला दी थी। मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीनी 90 रुपए किलो से ज़ायद कीमत पर फरोख्त की इजाज़त नहीं। आवाम के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। शुगर मिल्स किसानों को गन्ने की बर वक्त और कटौती के बगैर अदायगी यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल से शुगर मिल्स एसोसिएशन के 6 रुकनी वफ की मुलाकात। चौधरी बरादरान से एजाज़ुल हक और मकबूल शेख की मुलाकात। चौधरी शिजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि OIC कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान का इनेकाद खुश आइंद है। इस्लामी ममालिक बाहमी खिलाफात भुलाकर अफगानिस्तान की मदद करें। अफगानिस्तान गजाई बहरान और बैन अल-अक़वामी पाबंदियों का शिकार है। और 90 रोज में 1254 तारीखें वतन की शिकायत हल की। ओवरसीज के मसाइल के हल के लिए वजीर आला हाउस में सेंटर कायम है। तारकीन वतन को पहली बार वोट का हक मिला। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन तारिक महमूद हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।